साफ सुथरी चादर दिखी नहीं, मालिक की तरफ पसर गए बस आराम से। सुबह से कहीं नहीं चढ़े थे भाई बेड पे, आप अभी चढ़ रहे हैं आप बताइए। घर हमारी बेडशीट बिछी हुई थी ना, मम्मी ने कॉटन की बेडशीट वो भी वाइट बिछाई है। बहुत ज्यादा स्कीम बाज आदमी है, बहुत ज्यादा स्कीमी है। ये रात में जो ड्रामा करता है ना, किसी दिन हम आपको बताएंगे, कैप्चर करके दिखाएंगे। एक्चुअली क्या है कि हम कर नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही लाइट ऑन करेंगे तो इसका वो ड्रामा ओवर हो जाएगा। सो रहे होंगे, कहीं भी जगह दिखेगी बेड में, इतनी सी भी जगह दिखेगी, ऊपर चढ़ के आके सो जाएगा। और इसको ऐसा लगता है कि ये इनविजिबल है। इसका यहाँ पे बिस्तर है, यहाँ से फट से यहाँ चढ़ता है, मैं इधर सोता हूँ, नैमी इधर सोती है। ये काम करता है, यहाँ पे नहीं सोएगा बीच में, या तो इसके पैर के नीचे सो जाएगा यहाँ पे, या मेरे पैर के नीचे सो जाएगा यहाँ पे, फिर इतनी दिक्कत आती है। और अगर इसको वहाँ से आप हटाने की कोशिश करो, फिर आएगा सट से बीच में ऐसे करके, ऐसे तिरछा होकर सो जाएगा, ना उसको जगह मिलेगी ना मुझे, और कंबल के ऊपर सो जाएगा, कंबल भी नहीं खींच सकते आप, ऐसे करता है ये। बहुत ज्यादा स्कीम बाज आदमी है, देखो कितना शरीफ बन के बैठा हुआ। इसके जितना शरीफ कोई है इस दुनिया में, इसके जितना शरीफ। बलून चाहिए इसलिए आया मेरे पास। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी बज रहे सुबह के 11:30 और हमारी मस्ती चालू है सुबह से उठते ही, मैक्स कुछ ना कुछ। अरे 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 अरे, अभी ये दोनों गिरते भाई। अभी तो थंबनेल मिल गया होता भाई, बच गया। अभी तो थंबनेल आ गया होता आज के वीडियो का। जेठालाल लड़काऊंगा अपनी जान बचा के भाग रहा था। सो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, सामान लाना है, ब्रेड वगैरह खत्म है, कॉफी खत्म है, ये सब लाना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्या बिस्किट खत्म है कल शाम से? मिल जाएगा आपको बिस्किट, तुम्हें कुछ चाहिए भाई? हम लोग का एक टावल गिर गया है एक दो दिन पहले नीचे, लेकिन अब वो इधर से गिरा है। इधर से गिरा होता तो मिल भी जाता है, इधर से गिरा। अब इधर से गिरा है तो कहाँ गिरा, नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा। और ऐसे भी कल भाई गिर मत, तुम मत गिर जा टावल के तरह, पता चले तुम भी मिल नहीं रहे उसके पास। मैं तो मिल जाऊंगी पीसेस में, लेकिन सामान आया और इसको देख लो चाहिए तो। नहीं गिरा है, कल या परसों गिरा है ना, छोटे छोटे पैकेट है इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स के, अगर अच्छा लगेगा तो लेके आऊंगा, क्योंकि मैं वो क्या ना, मैं कॉर्नफ्लेक्स केलॉग्स का आता है ना, केलॉग्स वाला अच्छा नहीं लगता यार मेरे को मूसली ना। अब इसमें देखते हैं, ऑरेंज क्रंची ग्रेनोला, पता नहीं कौन कौन सा फ्लेवर है इसमें, है क्रंची ग्रेनोला हैप्पी बेरीज। चलो आज मैं ये फ्लेवर ट्राई करता हूँ। थोड़ा टाइम पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 12:30 में, वाह 12:30 इस टाइम पर। मैक्स के लिए रखिए, उसको दे देना। मैक्स इज ऑल्सो ईटिंग आटा ब्रेड, वाह मैक्स हेल्थ कॉन्शियस। अभी तक आया क्यों नहीं मेरे भाई? अभी पीनट बटर खोलो, पीनट बटर का दीवाना है ये। सो आज ब्रेकफास्ट में है ब्रेड एंड पीनट बटर अलॉन्ग विद दैट मूसली। कौन सा फ्लेवर था? हैप्पी बेरीज। तो अभी खा के देखते हैं मैं हैप्पी हो पाता हूँ कि नहीं, थोड़ा सा हैप्पी होना जरूरी है। तो आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, देखो हमारे टैंक में फिश ने दिए हैं अंडे, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे अंडे हैं, ये दिया है एंजल फिश ने। अब इसमें से कोई एक फीमेल ने दिया होगा, बट ही इज़ द मेल। और फिशेज में क्या होता है कि जो मेल होता है वही अंडों का ध्यान रखता है। सो आई थिंक ये दोनों पेयर बना रहे हैं, आई एम नॉट रियली श्योर। लेकिन ये देखो, ये किसी को वहाँ नहीं जाने दे रहा, सिर्फ उसको जाने दे रहा। आई थिंक उसने अंडे दिए होंगे एंड ही इज़ द वन हु इज़ प्रोटेक्टिंग द एग्स। उस कोने में भाई किसी को नहीं जाने दे रहा है, मतलब इनका भी सोचो प्रोटेक्शन इतना होता है, उस कोने में कोई नहीं जाएगा। देखना अभी कोई जाएगा इसको कैसे मार के भगाएगा, ये देख रहा बस खाली। देखो वो प्रोटेक्ट कर रही है, और इसको देखना कोई और फिश वहाँ जाए, देखो 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 कैसे भगा रहा है, देखो किसी को नहीं जाने देगा ये। मान ने इनको भी कैसे बनाया है ना, मम्मा पापा अपने बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, सारा दिमाग दिया हुआ है इनको, सारा दिमाग। अंडे कौन से हैं? वो जो ग्रीन ग्रीन से हैं, ब्लैक वो ग्रीन वाले पाइप पे जो है। हाँ, ग्रीन वाले पाइप पे जो है ना वो है, जो ग्रीन वाले पाइप पे लाइट ग्रीन है। नहीं वो येलोइश है। हाँ येलोइश वाले। हाँ ये हमारे घर में छोटे बच्चे आएंगे।
लेकिन ये अंडे हैच नहीं हो पाएंगे, रीजन बीइंग इसके कि ये कम्युनिटी टैंक है, इसमें सारी फिशेज हैं, तो वो हैच होने से पहले ही वो कोई ना कोई फिश जाके उसको खा लेगी। एक भी अंडा खा ले तब भी नहीं होंगे? नहीं, मतलब वो नहीं होता, अगर इसमें से बच्चे निकल भी गए ना छोटे छोटे, तो भी ये सारी फिशेस खा जाएंगे। तो हम उनको दूसरे टैंक में डाल देते हैं ना, हॉस्पिटल टैंक में। अंडे ट्रांसफर नहीं होते हैं, एंड इफ यू चेंज द वाटर पैरामीटर्स देन दे विल इवेंचुअली डाई। यार मुझे चाहिए ये। देखो इसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है भाई, मतलब मुझे देख के कितना वो लग रहा है कि मतलब इनको ही भगवान ने कैसा दिमाग दिया है। वहाँ पे किसी को नहीं जाने देगा, उस कॉर्नर में किसी को नहीं जाने देगा, तुम देख लेना। सो इट्स अराउंड 5:30 इन द इवनिंग एंड मैं और मैक्स अभी हम लोग सोसाइटी का चक्कर काट रहे हैं। बाहर से इसको घुमा के ले आया, लेकिन चक्कर काटने के लिए हम लोग यहाँ पे आराम से चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा चलाना ज़रूरी है। रात में देखते हैं फिर शायद लेके आएंगे इसको। ही वॉन्ट्स टू रन बट अभी फिलहाल रन नहीं कर पा रहा, आगे से बच्चे भी आ रहे हैं तो उनके पास जाना चाहता है, बट ही इज़ नॉट अलाउड टू डू दैट फॉर नाउ। अभी 7:45 हो रहा है, अब जाके मुझे नहाने का टाइम मिला है, और मैं कल भी नहीं नहा पाया था और परसों भी नहीं नहा पाया था, तो इसके लिए मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, सोसाइटी का, पूरे दुनिया का प्रेशर था कि नहाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज मैं नहीं नहाता तो मैं अपने आप को क्या मुँह दिखाता, भगवान को क्या मुँह दिखाता, और इसको क्या मुँह दिखाता, है ना। इसके लिए मैंने नहा लिया कि चलो कोई बात नहीं, नहा लेना ज़रूरी होता है। तो अब धीरे धीरे भाई साहब, इतना बिजी है ना इंसान आज के डेट में कि टाइम नहीं मिलता है यार, टाइम ढूंढना बहुत मुश्किल है। जो जग चुकी है और अभी बन रही है चाय, मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, इतना ये इतना गिड़गिड़ा रही थी मेरे सामने, मैंने बोला चल मैं भी चाय पी लेता हूँ तुम्हारे साथ। आई जस्ट आस्क यू वन टाइम बिकॉज यू आर लकी, यू वन टाइम में ये गिड़गिड़ा रही थी कि नहीं प्लीज मेरे साथ चाय पियो, कोई चाय नहीं पीता मेरे साथ, झूठ मत बोलो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मत भूलो किसकी, वुमेन्स हॉर्लिक्स की, रात में हॉर्लिक्स की, इसके साथ लड़ाई करने के लिए ये हॉर्लिक्स भी है, इसको मार भी सकता है, ठीक है। चलो छोड़ो, माफ किया मैंने, जाओ। तो रात में कुछ अच्छा बनने वाला है खाने के लिए, क्या बनने वाला है? चिकन बिरयानी। वाह, चिकन बिरयानी में चिकन तो डलेगा ना? ऑब्वियसली, लेके आपको आना पड़ेगा, जैसे आप अभी चल रहे हो उसमें मेरे को लग नहीं रहा चिकन बिरयानी बन। नहीं, चिकन लाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके लिए चिकन है नहीं, चिकन खत्म है, तो रात में खिलाने के लिए तो चिकन लाना ही पड़ेगा। चिकन जो है वो बॉईल कर दिया, चिकन डाला तो पता चला कि इसमें जो इसका खाना है डॉग फूड हो चुका है खत्म, और 10 kg का पैकेट गाड़ी में पड़ा हुआ है, और गाड़ी में ही पड़ा हुआ था। अब जा रहा हूँ लेके आने, मैक्स 10 मिनट वेट कर ले, नीचे गाड़ी में से खाना लेके आ रहा हूँ, फिर दूंगा, एक्सट्रीमली सॉरी। तो कुछ ऐसे मैंने इसको उठा लिया है, 10 किलो है, शुक्र है 25 किलो का पैकेट नहीं है, 25 किलो वाला ले रहा था मैं, लेकिन फिर मैंने 10 किलो का लिया, 25 किलो होता तो उठाने में हालत ख़राब हो जाती भाई, 10 किलो में ही लग रहा है कितना भारी है ये। मिलेगा मिलेगा तुम्हारा ये मिलेगा, sit, good boy, sit, sit, stay, फिर से बढ़िया good boy कोई है मार्केट में? ये ऊपर से है, अंदर क्या है इसके ये देखने वाली चीज है। इस बार बिरयानी में चावल दिख रहे हाँ, नहीं तो इतना रहता है कि चिकन ज्यादा हो जाता है, मसाला ज्यादा हो जाता है, और बिरयानी कम, मतलब चावल कम। लुक्स यम्मी, पहली बार इतना बढ़िया सक्सेस मिला हम लोग को कि चावल, मतलब 3 लेयर जो बिरयानी, कच्चा बादाम, पागल हो चुकी है।